साहिबगंज जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष रामदर्श यादव के घर पर 8 मई की रात हुई पुलिस की छापेमारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध में गुरुवार को काला दिवस मनाने की घोषणा की है। वहीं बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों को से राजमहल विधायक अनंत ओझा ने कहा कि 2 माह पूर्व एक झूठा मुकदमा जिलाध्यक्ष पर दर्ज करा दिया गया। पुलिस बिना जांच पड़ताल के ही जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर पहुंच गई। कहा कि पुलिस कर्मियों ने एक आतंकी की तरह जिलाध्यक्ष के घर को घेर लिया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की और जमकर उत्पात मचाया, घर के दरवाजे को तोड़ दिया। जिलाध्यक्ष के परिजनों ने जब सर्च वारंट मांगा तो कहा गया कि ऊपर के आदेश पर वे लोग छापेमारी कर रहे हैं, जबकि इस छापेमारी का एसपी तक को जानकारी नहीं है। इससे जिलाध्यक्ष के परिजनों में दहशत है। वहीं इस मामले को लेकर उनके परिवार वालों ने क्या बाबू कुल ठीक बात है वहाँ के हमारे ऊपर में चढ़ के हमार ये थूल मार के हमारे ताला तोड़ दे जाए तूला ताला तोड़ के घर में ढूक के अब देखिए हो गेट टूटा हो गेट हो गेट हमने के लगा के सुतल रहने जाए वही जो हमारे बेटा है घर टूटल बात है एगो पलंग एने बा एगो पलंग एने बा तो वही पर हमार सुतल रहे अब एकदम तूर 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 तो बाजत रहे गेट तो हम कहीं जाए हमारे पोता एगो बात सुतल रहे लगे कहीं जे बेटा कहीं गेट बजत रहे कहाँ रे कहीं गेट बजत है वो उठल हमू उठली ताकत तो पुलिस खड़ा बना सन करे जे हमारे धड़कन हो गई काम बात से हमने के घर तक पुलिस दरोगा ना आवेन सन कैसे आ गए सन तो कहन का है बाबू तो गेट खोलिए ना रामदर्श कहाँ है हम कहन जे बाबू रामदर्श नहीं हम बाहर बना घरे नहीं ना खोलिए ना खोलिए ना हम कहन जे बाबू 12 बजे तो हम केवाड़ी खोली हमारे घर जवान लड़की बाई सन पोती बाई सन कैसे हम रात खानी केवाड़ी खोली हमारा धड़ पीटे लगा जाए तो खोल देने खोलला के बाद में घर में घुस गए ना घुस के समूचा घर हमारे हिड़का ऊपर ले नीचे ऊपर के गेट तोड़ दिल बन जा अब कुल एकदम कोठी आतरा पैखाना ऐखाना कुल देख के एकदम निकस गए ना जा निकसला के बाद में उन्हें हमारे खेत बाटे गाय गोरू कुल बांधल बड़ी सन चोरबत्ती लेकर सवेरे घूर घर के अथू कूर के देख रही है ना जब बारह बजे काई ले जाए 2 बजे रात खानी घूम बन जा आई ऐजा के उछाड़ कुल देख सर के बेटा ना मिलल हमारे चल गए जा हमारा वो बेटा हमारे 3 गो बान सन पुरनका घर पर ये समदर्शी हमारे बड़का बेटा हुआ आ एगो सैतानंद बना राम विनोद बना सब को वजह जाके छत पर हड़होर लगा के ये थू कैले बना जा यानी हमने के चोर बदमाश हमारे लड़का हमारे क्या लगता है क्यों ऐसा क्या लगता भगवान जान से कहें के इसे कैले बा निखे कैले हम निखे जाते कहें ऐसा काम कैने जा केस सिखवला में केकारा पढ़ावला में आके हमारे घर में ढुक गए जा हमने के तो ऐसा रामदर्श समदर्शी है चाहे कोई चोर बा अगल बगल कदमी नहीं खे जाना हमारे बेटा के केतना नाव बटे या केतना नीच तो हम लोग कह के हमारे घर में ढुकल जाए कहाँ ढुकल जाए तो ये थे 1:30 बजे पौने 2 बज रहा था पुलिस गई हम थोड़ा दूर से घूम गए तो हमको समझ में आ गया जी हमारे खाते हम थोड़ा हट गए हम लोग का ना 3 भाई है तीनों भाई के घर में घुस के चेक करके चला गए हुआ था यही मेरा बंद खदान है और उसमें न मेरा गाड़ी पकड़ाया है न मेरा कोई आदमी पकड़ाया है न मेरा काम चल रहा है जाके इसको पूछ लीजिए इसको पता लगा लीजिए इसको देख लीजिए हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है कोई 2.5 साल से उसके ऊपर वो झूठा आरोप केस लगाया हम लोग के पीछे और केस लगाने के बाद में केस में तो कोई दम है नहीं उसके बाद भी 12 बजे 1 बजे रात में आ करके गेट से तड़प करके मेरा ताला तोड़ दिया ताला तोड़ करके गेट तोड़ करके इधर से कोई चढ़ रहा है कोई उधर से चढ़ रहा है कोई वो गेट बजा रहा है कोई वो पैर से मार रहा है सब बाल बच्चा अंदर में सोया हम लोग अकबका के उठ गए सब बच्चा लोग डर गया घर में बच्ची लोग सुतल थी वो लोग के घर में घुस के पूरा खोज रहा है कहाँ है जल्दी बताओ उसमें 30-40 था आदमी उसमें 2 सिविल ड्रेस में था और बोल रहा था कि आज हम लोग का देश है जो जितना जल्दी उसको पकड़ के लाओ आज ही पकड़ के लाओ अभी पकड़ के लाओ उसको पकड़ना है ये तो घर में थे नहीं 2-3 दिन से बाहर थे और हम लोग बच्चा के लेकर के हम लोग अकबका करके बूढ़ी मेरी सास है वो भी अकबका आ गई पूरा उनका धड़कन बढ़ गया बच्चा लोग का धड़कन बढ़ गया हमको भी धड़कन बढ़ गया पूरा यहाँ से लेके पीछे तक चिल्लाते चिल्लाते दौड़ता था 5 राउंड खोजा और देखा और गया उसके बाद 2 घंटा मेरे घर में पूरा ऊपर
छत से लेके नीचे तक चारों तरफ एकदम करते रह गया, गेट पीटते रह गया, खोजते रह गया, चिल्लाते रह गया हम लोग का। फिर यहाँ से वो करके फिर वो घर पर गया, वहाँ भी गया तो वही काम किया है। तो क्या हम लोग क्या एथी आदमी है क्या जो हम लोग के साथ ऐसे हो रहा है? कोई एक महिला नहीं थी उसमें, खाली जेंट्स लोग था टोटल। तो हम लोग क्या हैं, हम लोग घर में हम लोग ऐसे कर सकते हैं? आए हम लोग का कोई इसका अथी नहीं हो सकता है? मुख्यमंत्री साहब ये क्यों करवाते हैं ऐसे हम लोग को? आए क्यों इसको अन्याय हमको नहीं देते हैं, नहीं करवा सकते हैं? वहीं विधायक ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई और एसपी को इसकी जानकारी तक नहीं है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि एसपी इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं और दोषियों पर कार्रवाई करें। ऊपर से आदेश देने वाले कौन हैं, यह भी स्पष्ट होना चाहिए। विधायक ने कहा कि जिले में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चौपट हो चुकी है, प्रत्येक दिन आपराधिक वारदात हो रही है, लेकिन पुलिस बिना वजह एक राजनीतिक कार्यकर्ता को तंग कर रही है। 8 मई को मध्य रात्रि में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर एक झूठे मुकदमे में फंसा करके और उसको लेकर के रात के 12 बजे उनके घर में घुस करके उनकी अनुपस्थिति में परिवारजनों के साथ अभद्रता का व्यवहार कथित साहेबगंज के पुलिस कर्मियों के द्वारा किया गया और लगातार 2 घंटे तक पूरे घर में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ इस प्रकार का कृत्य किया गया। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जब साहेबगंज के डीसी और एसपी से मिले तो आरक्षी अधीक्षक साहेबगंज ने सीधे अनभिज्ञता जाहिर की कि ऐसी कोई घटना घटी नहीं है, इस प्रकार की कोई बात के मुझे जानकारी नहीं है। जबकि वो पुलिसकर्मी अंत में जाते जाते बोले कि ये बात कहा उन्होंने कि ऊपर का आदेश से हम लोग कर रहे हैं। जब पूछा कि किस बात को लेकर के कर रहे हैं कार्रवाई, महिलाओं के साथ ना कोई महिला पुलिसकर्मी थी, तो उन्होंने कहा कि ऊपर का आदेश है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को पर जो भी लोग शामिल है, इस प्रकार का अमर्यादित कृत्य करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करने का मांग किया। और ऊपर वाले यानी कौन है, जब एसपी को जानकारी नहीं है तो राज्य के डीजीपी और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार आप कब से करने लगे हैं? कैसे आपके राज्य की पुलिस, राजनीतिक कार्यकर्ता, अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर आपने झूठे मुकदमे में आपकी पुलिस ने फंसाया तो उसके परिवारजनों का क्या दोष है कि उसके घर रात के अंधेरे में घुस करके अब परिवार के साथ अमानवीय कृत्य करने का? और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कल काला दिवस मनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूज्य बापू के प्रतिमा के समक्ष बैठ करके काला बिल्ला लगा करके प्रतिकार करेंगे और जिला प्रशासन से, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्य के डीजीपी से हम ये मांग करते हैं कि इसकी जांच कराएं और दोषी लोग जो लोग जिम्मेवार है, जो सादे वर्दी में और पुलिस के वर्दी में दोनों में जा करके परिवारजनों के साथ जो अमानवीय कृत्य किए हैं उससे लोगों पर सरकार कार्रवाई करें।